तलवाड़ा क्षेत्र में चिट्टा तस्कर द्वारा पिछले दिन पुलिसकर्मी पर तेजधार हथियार से वार कर फरार होने के मामले में बिलासपुर सदर इलाके के पूर्व विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव बब्बा ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये तस्कर भाजपा से संबंधित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसे सदर विधायक का आरक्षण प्राप्त है, जिससे ऐसे लोगों के हौसले इस तरह बुलंद हो गए हैं कि वो किसी भी वारदात को अंजाम देने से डरते नहीं हैं। बब्बा ठाकुर ने बताया कि यही नहीं, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस से इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, नहीं तो ये भी चेतावनी दी है कि यदि अगले दो दिन के अंदर फरार हुए आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे ढकेला नहीं गया तो वो बिलासपुर शहर में भाजपा नेताओं के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता पार्टी के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल के जो चिट्टा तस्कर समर्थक थे, जिन्होंने भाजपा के पटके डाल करके काम किया, उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि एक तरफ तो मुझे पिस्टल से उड़ाने की धमकी देते हैं कि आप चिट्टे के ऊपर क्यों बोल रहे हैं, और अभी उन्होंने जो है पिछले कल पुलिस की टीम जो उनको घेरा डाली हुई थी पकड़ने के लिए, उनके ऊपर हमला कर दिया। भाजपा के राज में इन्होंने जो है खूब धड़ल्ले से जो है चिट्टे का कारोबार यहाँ पे किया। जैसे हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आई है तो माननीय सुक्खू जी की सरकार ने इस पर पूरी नकेल कसी है, और अभी इनके हौसलों को देखिए कि वे हमें त्रिलोक जम्वाल का आशीर्वाद प्राप्त है, हम तो जम्वाल की गाड़ी में घूमते हैं और नड्डा जी के बेटे के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनको उनके साथ मिलकर के जो है हमारे लोगों के ऊपर हमला किया, तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब तो पुलिस के जवानों को चाकू से मार दिया, चाकू से हमला करके पुलिस के जवान को घायल कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुत्र और ये त्रिलोक जम्वाल क्यों नहीं डिमांड करते कि भाई ये जो है इन चिट्टा तस्करों को पकड़ो? इनके दम के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, फंड जुटा रहे हैं, और उन लोगों को आशीर्वाद दे करके जो है पुलिस जवानों को मारने की कोशिश की गई है। हमारा ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बदली है, नशा तस्करों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई होगी, और मैं पुलिस प्रमुख से भी ये कहना चाहूँगा कि दो दिनों के अंदर जो है इन तस्करों को पकड़ो, अन्यथा हम जो है बिलासपुर शहर के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी तस्करों के खिलाफ और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेगी, और जहाँ गाँव में दहशत का माहौल बनाया है पटेर में और तलवाड़ा में, वहाँ पर भी जाकर के जो है रोष प्रदर्शन किया जाएगा और जनता को ये आश्वासन दिया जाएगा कि जो है सरकार संवेदनशील मुद्दे के ऊपर जो है गंभीर है और ये तस्कर लोग जो है ज़्यादा दिन तक जो है बाहर नहीं घूम पाएंगे, और इनको जेल की सलाखों में सरकार भेजने के लिए वचनबद्ध है, उनको जेल की सलाखों में भेजेंगे, समाज को बचाया जाएगा, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पुलिस प्रमुख से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सरकार बदली है, आपको जो दबाव भाजपा का था इन तस्करों को बचाने के लिए, अब किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई करें। धन्यवाद।